जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अभी तक आप लोगों ने देखी ली होगी। इस तस्वीर में पंडित नेहरू के साथ जो महिला दिखाई दे रही है उसको उनके समाज में नेहरू की बीवी के तौर पर कहा जाता था। लेकिन आप सोचेंगे कि भाई ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी के तौर पर इनको देखा गया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो उनको उपाधि मिल गई थी, इस उपाधि के कारण उनको कितना ज्यादा बहिष्कार झेलना पड़ा अपनी ही कम्युनिटी में। राजीव गांधी जरूर एक बार इनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी के जीवन में जब किताब लिखी जाएगी तब इस बारे में कोई जिक्र आपको मिलेगा भी नहीं। दरअसल अगर अभी तक आपको इस बारे में कुछ पता नहीं है तो आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू की वनवासी जनजाति पत्नी बुधनी मजियाइन का शुक्रवार 17 नवंबर की देर रात झारखंड में पंचेत के नजदीक अपने घर में निधन हो गया। 80 साल की बुधनी की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से बताई जा रही। दरअसल पंडित नेहरू की वजह से उन्हें अपने संथाली समुदाय से ताउम्र बहिष्कार का सामना करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि रविवार 19 नवंबर को उनका अंतिम संस्कार किया गया। वो अपने पीछे अपनी 60 साल की बेटी रत्ना और 35 साल के पोते बापी को छोड़ गई। उनकी मृत्यु के बाद पंचेत पंचायत के मुखिया भैरव मंडल ने जवाहरलाल नेहरू को की वनवासी पत्नी के सम्मान में एक स्मारक बनाने के लिए दामोदरी घाटी निगम को पत्र भी लिखा है। उन्होंने रत्ना के लिए घर और पेंशन की भी मांग करी। हालांकि इसे लेकर डीवीसी के डिप्टी चीफ इंजीनियर सुमेश कुमार ने कहा कि यह फैसला उच्च अधिकारियों से सलाह के बाद ही लिया जा सकता है। अब पंडित नेहरू बने बुधनी के बहिष्कार की वजह क्या थी ये भी जरा जान लेते हैं। दरअसल 6 दिसंबर 1959 की बात है। बुधनी की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था, शायद उसको पता भी नहीं था। दरअसल उस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वहां दामोदर नदी पर बनाए गए पंचेत बांध के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। दामोदर घाटी निगम ने पंडित नेहरू के स्वागत के लिए 15 साल की लड़की बुधनी मंजियान को चुना था। इस दौरान बुधनी बेहद खुश थी, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि इस एक पल से उनकी पूरी जिंदगी परेशानी भरे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी। दरअसल ये पहला बांध था जिसका उद्घाटन किसी वनवासी महिला से करवाया जा रहा था। यही वजह रही थी कि जवाहरलाल नेहरू ने बुधनी को सराहना के तौर पर एक माला दे दी। बस क्या था, उत्साह और खुशी के इसी मौके पर दी गई यही माला उनकी ताउम्र और परेशानी का सबब बन गई। पंडित नेहरू चाहते थे कि बांध का उद्घाटन किसी ऐसे शख्स से करवाया जाए जिसने इसे बनाने में योगदान दिया। यही वजह थी कि इसके लिए लोकल मजदूर बुधनी को बुलाया गया था। पंचेत बांध के उद्घाटन की उसी रात इस घटना की चर्चा के लिए संथाली समाज की पंचायत बुलाई गई। बुधनी को संथाली पंचायत में जब यह बताया गया कि जनजाति परंपराओं के हिसाब से अब उनकी शादी जवाहरलाल नेहरू से हो चुकी है तो वे खौफ में आ गई, क्योंकि एक दूसरे को माला पहनाई गई थी। वनवासी परंपराओं के हिसाब से पंचायत ने पंडित नेहरू के बुधनी के पति होने का ऐलान कर दिया। वनवासी रिवाज के मुताबिक पंडित नेहरू वनवासी नहीं थे, इसलिए संथाली समुदाय ने उनका बहिष्कार कर दिया। इस वजह से खुद ब खुद बुधनी का भी समुदाय से बहिष्कार हो गया। अगर आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है तो आपको बता दूं, बुंदेलखंड में भी ऐसी ही प्रथा चलती है जहां पर ये कटार देकर सामने वाले को अपना पति या पत्नी घोषित किया जाता है। हालांकि उस वक्त बुधनी ने दामोदर घाटी निगम में काम करना जारी रखा, लेकिन वे वहां अधिक दिनों तक रह नहीं सके। इस घटना के 2 साल बाद ही 1962 में बुधनी को नौकरी से निकाल दिया गया और मजबूरन बुधनी बाद में झारखंड चली गई और वहां 7 साल तक जीने के लिए जद्दोजहद करती रही। इसके बाद उनकी मुलाकात सुधीर दत्ता नाम के एक शख्स से हुई। वो उनके करीब आ गई, दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन कर नहीं सके। उन्हें डर था कि समाज में उन्हें इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि इसके बावजूद वे साथ रहे और दोनों के 3 बच्चे भी हुए। राजीव गांधी के इनसे मिलने का एक वाक्य भी बताया जाता है। बताया जाता है कि 1985 में जब राजीव गांधी को बुधनी के बारे में पता चला तो इसके बाद उन्होंने उनका पता लगा लिया और बुधनी उनसे मिलने भी गई। इसका फायदा यह हुआ कि उन्हें दामोदर घाटी निगम में उनकी नौकरी वापस मिल गई। वहीं बुधनी ने जब 2016 में उनकी उम्मीदों के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से अपील करती हूं कि वे हमें एक घर और मेरी बेटी के लिए नौकरी दिलाएं ताकि हम अपना बाकी का जीवन शांति से बिता सकें। बुधनी के साथ बांध का उद्घाटन करने वाले रावण मांझी ने एक बार बीबीसी से कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने हमें मुफ्त बिजली और घर देने का वादा किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जब उनसे बुधनी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे उस घटना को याद तक नहीं करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, यह घटना बहुत ही ज्यादा ऐसी थी जो कि कई लोगों को विचलित कर गई और उस समय इस घटना के बारे में काफी बातचीत भी नहीं हुई थी क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का उतना दौर भी नहीं था। आज की तारीख में अगर हम देखें तो इस प्रकार की प्रथाएं आज भी कुछ समुदायों में देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन इस जिसका परिणाम इतना विभत्सक हो कि किसी व्यक्ति का जीवन के ऊपर इतना बुरा प्रभाव पड़े वो शायद ही देखने के लिए मिलेगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।